फिरेंगे। बिंदिया, हे छठी मैया, आज हमारा व्रत सफल हो गया। पायल की वजह से बिंदिया को मिला कृष का साथ। बिंदिया का व्रत हुआ पूरा, फ्लॉप हुआ पायल का प्लान। जी हाँ, क्या है पूरी खबर, चलिए बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर। दरअसल हम बात कर रहे हैं कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले पॉपुलर शो सुहागन की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में हम देखेंगे कि किस तरीके से बिंदिया का भांडा फोड़ने की कोशिश करते हुए नजर आएगी पायल। यहां पर सभी छठ घाट पर खड़े हैं। बिंदिया छठ माँ से प्रार्थना करते हुए नजर आ रही है और बता रही है कि उसने ये व्रत सिर्फ और सिर्फ कृष और उसके परिवार के लिए रखा है। और बिंदिया के मुंह से ये सब सुनकर, बिंदिया की इतनी मेहनत देखकर कृष के मन में कहीं ना कहीं बिंदिया के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट होने लगा, जहां पे कृष और बिंदिया दोनों साथ में छठ माँ की पूजा करते हैं। बिंदिया अपना व्रत तोड़ते हुए नजर आती है और ये सब देखकर पायल बहुत ज्यादा जैलस होती है। ये मन ही मन ठान लेती है कि किसी भी तरीके से आज बिंदिया की प्रेगनेंसी का नाटक सभी के सामने लाना है और ये भांडा फोड़ देना है। पायल बिंदिया को धक्का मारती है, बिंदिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है ताकि बिंदिया की प्रेगनेंसी का नाटक सभी के सामने आ जाए। जैसे ही बिंदिया को धक्का लगे, वो नीचे गिरे और उसका हॉस्पिटल में चेकअप हो और ये सच सामने आ जाए कि बिंदिया प्रेग्नेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर पायल का ये प्लान फ्लॉप करते हुए नजर आ रहे हैं कृष। कृष बिंदिया को संभाल लेते हैं और कहीं ना कहीं पायल की वजह से बिंदिया और कृष दोनों एक दूसरे के और भी ज्यादा करीब आ जाते हैं। कृष बिंदिया को पानी पिलाते हैं और उसका व्रत भी अपने हाथों से तोड़ते हैं और अपना व्रत पूरा करके बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रही है बिंदिया। वेल, तो क्या है इस पे आपकी राय, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। साथ ही ऐसे और तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।